स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर जीत चुकी प्रतिभा हमारे साथ मौजूद है और उनके कोच अशोक गुप्ता जी हैं, जो कि वो भी 200 केजी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर और गोल्ड जीत चुके हैं। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करना चाहते थे, सरकार से कई तरह के सहयोग भी चाह रहे थे। सबसे पहले अशोक जी से जानेंगे, काफ़ी लंबे मशक्कत के बाद कहें मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? हाँ, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग को टाइम काफ़ी लग गया। हम लोग खेल करके आए, एक महीना हो गया, दो चार बार कोशिश भी किए लेकिन संजोग बस नहीं मतलब मिल पाए। कल मुलाकात हुई और जब अपनी बात रखे कि भाई हम लोग स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन में एसोसिएशन से हैं और वर्ल्ड खेल करके आए हैं, जिसमें हमारे झारखंड से 3 खिलाड़ी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भाग लिए थे, मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रतिभा हेमरोम और हिमा तिर्की, तीनों प्लेयर ने 5 पदक लाए, इसमें 2 गोल्ड है और 3 सिल्वर मेडल है। तो सीएम साहब से यही बात हुई कि भाई हम लोग को जब जाने आने का खर्च उस समय नहीं दिया गया था, हम लोगों ने कोशिश किया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी दिया था जाने के पहले कि हम लोग को अनुदान राशि दिया जाए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। अब हम लोग गए, मतलब बच्चे लोग कर्ज ले करके खेल करके खर्च हुए था, कितना खर्च हुआ? 1.5 लाख रुपया पर ईच खर्च हुआ था, चूँकि वहाँ मतलब जाने आने का मतलब भाड़ा लग जाता है, वीज़ा का खर्च हो जाता है, वहाँ रहने और खाने का खर्च हो जाता है, तो 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया था। बच्चों को बोले कि भाई ठीक है, व्यवस्था करो, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि भाई मतलब ये हम लोग को राशि मिल जाएगा। बच्चों ने मेहनत किया और इधर उधर से कर्ज ले करके मतलब खेलने के लिए गए और अच्छा परफॉर्मेंस दे करके हम लोग पदक ले करके आए। जब सीएम साहब से मिले, बोले कि ऐसा ऐसा बात है सर, बच्चे मतलब कर्ज ले करके गए हैं, पदक ले करके आए हैं, तो उम्मीद बनता है कि हम लोगों को सहयोग राशि दिया जाए ताकि आने वाले बच्चे, हमारे गेम से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों बच्चे खेलते हैं जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी मनोबल ऊंचा हो और इस खेल के प्रति आगे बढ़ने के लिए लोग मेहनत करें। क्या लगता है युवाओं को इस खेल से जुड़ने के लिए, क्या करियर है इसमें, किस तरह से प्रेरित हो रहे? देखिए, कैरियर तो अब सरकार हम लोग को मतलब बताएगी कि इस कैरियर है कि नहीं। अगर सरकार हम लोग का भी जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन है उसको खेल नीति के तहत अगर झारखंड सरकार में मान्यता देती है तो आगे कैरियर है और बच्चे आएंगे भी और जुड़ेंगे भी, क्योंकि पावर गेम है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तीनों पावर गेम है, तो पावर गेम होने के चलते मतलब लोग इसमें लोग ज़्यादा उत्सुकता से करते हैं। अगर सरकार हम लोग को मतलब ध्यान देती है, अन्य सुविधा देती है, जैसे बेरोजगार को नौकरी देती है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आगे आएंगे और अच्छा करेंगे और नेशनल इंटरनेशनल पदक मिलते रहेगा। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में डाइट का भी काफ़ी वैल्यू होता है या महत्व तो रखा जाता है, तो ऐसे में कितना खर्च भी होता है, तो कुछ सहयोग राशि के तौर पर सरकार से आपने डिमांड किया है? एक्चुअली पावर गेम होने के चलते इसमें डाइट का विशेष ध्यान देना पड़ता है, हम लोग को हेवी डाइट लेना पड़ता है, उसमें है कि अंडा, चिकन और तरह का, बहुत तरह का ड्राई फ्रूट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, इस सब अगर मतलब ये करते हैं आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो महीना का 10,000 रुपया खर्च आता है, और अगर नीचे तबके के बच्चे 10,000 रुपया महीना तो खर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरकार से मतलब हम लोग निवेदन करते हैं कि इस गेम के भी जो बच्चे अच्छे करते हैं उसको सहायता राशि दिया जाए ताकि आगे आने वाले समय में, अभी हम लोग 5 पदक ले करके आए हैं, आगे 10-20 पदक ले करके आए। प्रतिभा हेमरम भी है, आपकी समस्याओं को न्यूज बायस को अपने प्राथमिकता से दिखाया था, कितने खुश हैं अब मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा कर? पहले तो सभी को जोहार, प्रतिभा है मेरा नाम, और न्यूज़ बाइस्कोप से बहुत बड़ा हेल्प मिला है मेरे को कि मेरा न्यूज़ जो चलाएं हेमंत सोरेन सर का बहुत स्प्रेड हुआ है इंटरनेट पे और बहुत सहयोग मिला, सब बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और मदद की गुहार भी लगाए मेरे लिए, उस बात से बहुत खुशी मिला कि बहुत सपोर्ट आ रहा है बाहर से, और आप लोग को तो बहुत बड़ा थैंक यू है कि ये न्यूज़ आप लोग चलाए, और जो ऑडियंस मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी। उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री जी की तरफ से मदद मिलेगा? उम्मीद पूरा लगाए हुए हैं, जैसे बात हुआ है पॉजिटिव
उनके तरफ से तो आया है, लेकिन अब उनके ऊपर है कैसे हम लोग को आगे बढ़ाते हैं इस गेम पे। नया एनर्जी आया फिर से आगे बढ़ने का? हाँ, मिलने के बाद तो सोच रहे हैं और कड़ा मेहनत करें और गोल्ड भी लेके आए। अभी मेरा सिल्वर आया तो और गोल्ड भी लेके आए। और क्या कहेंगे युवाओं को जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं? युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि इस गेम में अभी इसको बन रहा है, सरकार ध्यान देने वाली है शायद, उम्मीद है मुझे पूरा, और जिनमें ताकत है वो ज़रूर इस गेम पे आए, अपना हुनर दिखाएं और ज़रूर से अपना भविष्य बनाने का कोशिश करें, या तो इस गेम में या तो किसी भी अपना फील्ड जिसमें भी चुनना चाहते हैं। खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। कल ही जब आपने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उस वक्त भी कई खिलाड़ी पहुँचे थे और भी मिलने के लिए, आप भी मिले हैं, आत्मबल कितना बढ़ा, मनोबल कितना बढ़ा? पहले तो सीएम साहब से मिल के ही बहुत खुशी हुआ, उनका बोली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से हम लोग से मिले, बात किए, जो मेडल था वो खुद हम लोग को पहना पहना के वो स्वागत किए कि बहुत अच्छा की हो और मेहनत करना है, ऐसे प्रोत्साहन दिए हम लोग को, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा उनका। और दूसरों बच्चों को देखने के बाद लगा कि हाँ सब से मिल रहे हैं, सबको सब नज़र में है उनके, आके मिल रहे हैं उनसे, तो बहुत अच्छा लगा। जो सम्मान नहीं मिला था थोड़ा सा अब मनोबल ऊंचा हुआ कि हाँ सम्मान मिल रहा है? हाँ, अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ हाँ खेल के आए हैं और सीएम साहब मिले हैं तो अच्छा लग रहा है, कि वही चीज़ जो दूसरे प्लेयर्स को मिलता है कि आया स्वागत हुआ, लेकिन यहाँ पर साहब हम लोग से मिले, सीएम सर तो वो हम लोग से मिले, अच्छा से स्वागत किए वहाँ पे। अब आगे क्या करना है, आगे किस तरह से खेल को बढ़ाना है? सर वो तो सरकार पे ही है, हम लोग को जितना मदद कर पाएगी हम लोग अपने तरफ से तो 100% देंगे ही। मेरा सिल्वर आया, हम चाहेंगे उसको गोल्ड में तब्दील करना, और वही सर से निवेदन है कि इस गेम पे पूरा ध्यान दे। तो इन खिलाड़ियों को सरकार की मदद की आस है, सरकार इस खेल को अपनी नीति में शामिल करे और सरकार के माध्यम से इन खिलाड़ियों को अगर सहयोग मिलता है तो ये वर्ल्ड कप से लेकर कॉमनवेल्थ या फिर कहे तो आगे के तमाम जो प्रतियोगिता है उसमें शामिल होकर के ये झारखंड का नाम रोशन कर सकती है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।